industry mein you are welcoming new talent, which is a very good thing. But since a couple of years, and it has been very prevalent that there's certain amount of, it's said that there's certain amount of racism prevalent in the industry. Mm-hmm. And people are being, and this is not, many actors have cited a couple of examples. So we talk about advertisements showing, defining or stereotyping beauty in a certain way. Not only that, now even Nawazuddin Siddiqui, who is known for his talent, has recently tweeted about the same issue. So what's your take on it? Aapko kya lagta hai? Is it prevalent and how far is it justified for the new talent also coming? ये तो एक विभिन्न विचार है, किसी को किसी तरह के नज़र आता है, पर ये आज से थोड़ी है। मैं तो जब से जन्म लिया तब से मैं सुन रहा हूँ ये बात, कभी काला कभी गोरा, कभी सांवला कभी गारा कभी गोरा, ये तो चलता रहता है। लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ लोग जो है ना, थोड़े से ही लोग ही हैं जो इसके ऊपर कभी टिप्पणी कर देते हैं, मजाक कर देते हैं, हास्यास्पद हो जाते हैं। लेकिन कोई आम जनता अगर आप देखें और तो सभी लोग देखें, वो कभी भी टिप्पणी नहीं करेंगे इस बात पर, कभी भी इस पर कमेंट नहीं करेंगे। उनके लिए अच्छा इंसान और बुरा इंसान दो ही लोग हैं, काला गोरा पिछा पीला वीला कुछ नहीं है। But sir, film industry में is it really prevalent because of that काफी talent को मौका नहीं मिलता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने तो कभी सोचा नहीं कि जब हमें किसी आर्टिस्ट को मैं लूँ और किसी के बाद एक्ट्रेस को या टेक्नीशियंस को, तो मैंने कभी नहीं देखा कि ये कौन सी जाति से है, कौन से रंग से है। वो है तो है, वो चाहिए तो चाहिए, वो एक्टर है मेरे लिए, वो टैलेंट है मेरे लिए। एक लाइन में ऐड कर दूं इस पे, पहले हम मीडिया के अपने दोस्तों से भी अपील करते हैं कि काला गोरा का जिक्र जो किया है, फेयर एंड लवली और तरह तरह के ऐड चलते हैं और तरह तरह की बातें चलती हैं, मीडिया को भी बंद करना चाहिए। हमारे फ्रेंड से अपील है, वो आता है एक मीडिया एक ऐड देखता हूँ कि एक लड़की है और वो थोड़ी गोरी नहीं है, तो सामने कोई लड़का दूसरी लड़की खड़ा ऐसे करता है कि कहाँ है, बाद में रो रही है, फिर अपने बहन उससे, दोनों खूबसूरत लड़कियाँ। अब इस तरह का ऐड नहीं आना चाहिए, अब डिमोलाइज करता है, ये गलत संदेश देता है। इसे उसको मीडिया से भी अपील करते हैं, ऐसा मत कीजिए। और फिल्मों में जैसे सुभाष गिल ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पे अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आप नसरुद्दीन शाह भी चलेंगे, ओम पुरी भी चलेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा भी चलेंगे, अमिताभ बच्चन भी चलेंगे। मैं तो अमिताभ बच्चन के स्ट्रगल डेज का दोस्त हूँ, हम लोग सब हैं, हम देखते थे तो क्या क्या कहते थे उनके बारे में या मेरे बारे में क्या क्या कहते थे। डैनी डेंजोम्बा भी चलेगा अगर आपका टैलेंट है, वो जो हमने कहा कलर ऑफ सक्सेस है, तो सब आपको सर आँखों में बिठाएंगे।